हाँ जी गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी के। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ आईफोन्स के लिए केबल्स और साथ में चार्जर्स। तो आज की वीडियो है हमारी आईफोन्स के चार्जर्स के ऊपर और केबल्स के ऊपर। कौन सी केबल आपको आपके आईफोन के लिए लेने चाहिए और कौन सी नहीं लेने चाहिए। अगर आप गलत केबल ले लेते हो ना, तो आपके आईफोन की बैंड बजने वाली है, आपका आईफोन बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बेस्ट केबल्स और बेस्ट चार्जर बताने वाला हूँ, जो कि आपके आईफोन को सेफ रखेंगे और उन चार्जर्स और केबल की क्वालिटी भी काफी अच्छी होगी। चलो यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा पहले नॉलेज देते हैं इन केबल्स के बारे में। जब भी हम नया आईफोन लेते हैं तो एक केबल तो साथ में मिलती है, ये चल रही है तो तब तक आप चलाए रखो, पर ज्यादा टाइम चलती नहीं है। बहुत ही बेकार क्वालिटी की है ये आप देख सकते हो। इसको मैंने जुगाड़ लगा के जोड़ा था तो थोड़ा सा टाइम इसने एक्स्ट्रा निकाल दिया, थोड़े टाइम तक चलती है। ये तो एप्पल की एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है कि ये केबल टूटती रहेगी और 2000 रुपए की केबल आती है और आप बार बार ये केबल खरीदे और एप्पल वालों को धंधा चलता रहे। तो मैं इस केबल को आपको रिकमेंड नहीं करता हूं। जो बॉक्स में आती है उसको चलाए रखो, खराब होगी उसके बाद इसको साइड में कर दो। यहाँ पर इसमें दो वैरायटी हैं, एक तो हमारी ये USB A to Lightning और दूसरी अब लेटेस्ट वाली है Type-C to Lightning। तो ये वाली आज के टाइम पे ये वाली चलती है हमारी, पर सेम ही क्वालिटी इन दोनों की। जो मटेरियल यूज किया गया है वो सेम ही है, ब्रेडेड होती तो बहुत बढ़िया रहता। तो इसको साइड में कर देते हैं, मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड नहीं है। फिलहाल मैं आपको अल्टरनेटिव भी बताऊंगा जो कि इससे हाफ प्राइस में आते हैं और बेस्ट क्वालिटी की है। तो यहाँ पर मैंने अपने लिए भी ये एक लेके रखी है, फिलहाल इसे साइड में रखता हूँ, पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो आपको बता देता हूँ। जैसा कि ये एप्पल की ओरिजिनल केबल है, तो यहाँ पर इसका ये जो पोर्शन है ना ऊपर वाला, एक्चुअली इसके अंदर एक छोटी सी चिप लगी होती है जो कि आपके आईफोन को ऑप्टिमाइज चार्जिंग देती है। जैसे कि तुम्हारे आईफोन में भी सेटिंग होती है ना ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग, ये सेटिंग होती है कि जैसे आपने अपना आईफोन रात को चार्जिंग पे लगा दिया तो ये 80% तक चार्ज होता है और उसके बाद ऑटोमेटिक रुक जाता है। तो इस प्रोसेस को सक्सेसफुली करने के लिए एप्पल की चार्जिंग केबल के अंदर भी यहाँ पर एक छोटी जैसी चिप लगी होती है, तो उसका बहुत बड़ा रोल होता है इस काम के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहली बात ये आती है कि आप बिल्कुल सस्ती वाली केबल की तरफ आपने नहीं जाना है। आप एक महंगा आईफोन ले रहे हो तो बिल्कुल सस्ती वाली जो कि नॉन MFI होती है उनकी तरफ आपने बिल्कुल भी नहीं जाना है। उसके अंदर अगर वो चिप लगी नहीं होगी ना, होगी नहीं वैसे तो 100% बात है, तो बिना चिप वाली केबल लोगे ना तो उसमें प्रॉब्लम आएगी आपको। जैसे थोड़ा टाइम आपने उस केबल को यूज किया ना, 4-5 दिन, 1 हफ्ता, मतलब डिपेंड करता है, तो उस केबल का यूज करने पर आपके आईफोन में एरर आएगा, डिवाइस नॉट सपोर्टेड। ये एरर मोस्टली इन केबल में थोड़ा टाइम बाद आता है, तो आपका फोन भी हार्म होता है इससे। तो आपका आईफोन खराब होगा, आपके आईफोन की बैटरी खराब होगी, आपके आईफोन का ये जो चार्जिंग पोर्ट होता है ये खराब होगा। आपका टेक्निकली देखा जाए तो आप अपना 400-500 रुपए बचाने के चक्कर में ना अपना आईफोन खराब करवा रहे हो। तो मुझे लगता है कि अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर तुम्हें एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ये देखो ये दो लाइटनिंग कनेक्टर है, तो जो राइट वाला आप देख रहे हो ये वाला डुप्लीकेट है और लेफ्ट वाला जो वो एप्पल का ओरिजिनल है। तो जो ये राइट वाला ये नॉन MFI है, तो ये आपके आईफोन को खराब कर देगा। तो इसमें आप डिफरेंस देख सकते हो ना, इसके कॉर्नर्स पे ना बेमतलब की लाइंस लगी हुई हैं और जो ओरिजिनल वाला है उसमें नहीं लगी हुई हैं। तो इस तरह के बहुत सारे डिफरेंस होते हैं एक एप्पल की ओरिजिनल और डुप्लीकेट में जो कि नॉन MFI होती है। अगर MFI है तो एप्पल उसे वेरीफाई करता है, आप चेक कर सकते हो। एप्पल की एक वेबसाइट का मैं लिंक दे दूंगा नीचे, ये रही वो वेबसाइट, तो इसके ऊपर आप देख सकते हो। यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे पॉइंट मेंशन किए हुए हैं जिससे आप पता लगा सकते हो कौन सी ओरिजिनल है कौन सी डुप्लीकेट है। तो अभी आपने किसी और ब्रांड के लेके रखी है तो इस वेबसाइट पे जाके आप चेक कर लेना कि सारी कंडीशंस मैच होती हैं या फिर नहीं। तो एक और पॉइंट अभी आपको पता लग गया होगा, अगर आप कोई थर्ड पार्टी इस तरह की यूज करो तो उससे आपको फोन डैमेज होगा। अब यहाँ पर एडेप्टर्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ एडेप्टर्स है मेरे पास, ये तीन तो एप्पल के ही हैं, एक 5 वॉट का है, एक 20 वॉट का है और एक 67 वॉट का है। एडेप्टर के मामले में मैं आपको यही कहूंगा, आप एप्पल का ओरिजिनल एडेप्टर यूज करो, बेस्ट है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास यहाँ पर एक और एडेप्टर पड़ा हुआ है, सेम ये भी 20 वॉट का है इसकी तरह, पर यहाँ पर फर्क बहुत ज्यादा है। सबसे पहला फर्क तो है ये हमारा 2000 का है, 2000 का, और ये वाला है हमारा 500 का, तो 1500 रुपए आपके डायरेक्ट बचेंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि क्यों ज्यादा पैसे लगाने, सस्ते वाला ले लेते हैं। तो अगर आपने सस्ते वाला एडेप्टर लेना है तो अगर आप ऑनलाइन ले रहे हो या ऑफलाइन ले रहे हो तो आपने इस बात का ध्यान रखना कि वो एडेप्टर PD सर्टिफाइड होना चाहिए। बाकी चार्जर्स के मामले में कोई उतनी बड़ी दिक्कत नहीं आती है। जैसे एप्पल का ओरिजिनल वाला है ना, इसको आप यूज करोगे तो वेल एंड गुड है। अगर आप कोई और ब्रांड का यूज कर रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम इस तरह की आती है, जैसे आपका चार्जर एडेप्टर हीट होगा और हो सकता है कि वो एडेप्टर आपके स्मार्टफोन को भी हीट करे। अगर आपके स्मार्टफोन को हीट कर रहा है वो एडेप्टर, तो आपने उसका बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि उससे आपके आईफोन की बैटरी हेल्थ में आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप एप्पल का ओरिजिनल एडेप्टर यूज करो। किसी और ब्रांड की तरफ जा रहे हो तो आप वायरलेस चार्जर अगर यूज कर रहे हो तो उसके साथ बिंदास यूज कर सकते हो, और जो आप वायरलेस चार्जर यूज कर रहे हो वो QI सर्टिफाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने आपको सभी तरह की सर्टिफिकेशन बता दी कि कौन सी आईफोन्स के लिए बेस्ट होती है। और गाइस जितने भी अच्छे एडेप्टर है, अच्छी केबल
केबल्स हैं और अच्छे वायरलेस चार्जर हैं जो कि एप्पल की कंडीशंस को फॉलो करते हैं, उन सभी के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि अगर आप लेने की सोच रहे हो तो आपके लिए इजी हो जाएगा। और यहाँ पर ये जो 20 वॉट और 5 वॉट वाला है ना, अगर आप आईफोन 11 के ऊपर वाला मॉडल यूज कर रहे हो तो मैं आपको 5 वॉट वाला रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उन फोन की बैटरी ना फास्ट चार्जिंग को अच्छे से सपोर्ट करती है, तो आपको फास्ट चार्जर लेना चाहिए उनके साथ में। और आईफोन 11 के साथ में अभी तक भी 5 वॉट का यूज कर रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, यूज करो। अब यहाँ पर बात करते हैं केबल की, जो कि हमने एक अलग ब्रांड की लेके रखी है जो कि ये रे बेल्किन ब्रांड की है, और ये केबल काफी बढ़िया है, ब्रेडेड भी है और एप्पल की ओरिजिनल केबल के हाफ से भी कम में आती है। और ये जो बेल्किन ब्रांड है ना, ये एप्पल खुद से रिकमेंड करता है। इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और ये बता दूं कि ये एक MFI सर्टिफाइड है, मतलब एप्पल की सारी कंडीशंस को ये फॉलो करते हैं। इसके अंदर वो स्मार्ट चिप भी लगी हुई है, तो एप्पल की जो MFI सर्टिफाइड होती है ना केबल्स, इनको आप चेक कर सकते हो एप्पल की खुद की वेबसाइट के ऊपर, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये रही वेबसाइट, यहाँ पर आप जिस भी ब्रांड का ले रहे हो उसका ब्रांड नेम डाल सकते हो या उसका मॉडल नंबर डाल के चेक कर सकते हो कि ये MFI सर्टिफाइड है या फिर नहीं। तो आपके पास अगर आईफोन है तो मेक श्योर कि एप्पल की MFI सर्टिफाइड ही ले। पर यहाँ पर भी एप्पल की मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, ये जो एप्पल MFI सर्टिफिकेशन देता है ना इन ब्रांड्स को, तो मोटा पैसा रकम लेता है तगड़ी लेवल की, या एप्पल अपना शेयर रखती है कि जितनी केबल्स बिकेगी उसका कुछ परसेंट हम रख लेंगे, बाकी तो एप्पल को ही पता होगा कि किस तरह की उनकी डील है। अभी इसको अनबॉक्स करता हूँ MFI सर्टिफाइड को और देखते हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में, जो एप्पल की ओरिजिनल आती है और MFI वाली। पर पहले आपको इस केबल के बेनिफिट्स बता देता हूँ जो कि हमें ये वाली केबल नहीं देती है। इसकी लाइफ बहुत कम है ओरिजिनल वाले की, इसकी लाइफ बहुत ज्यादा है, ये ड्यूरेबिलिटी टेस्ट के साथ में आती है। इसको 10,000 बार यहां से बैंड टेस्ट किया गया है, तो लाइफ ज्यादा है इसकी और 2 ईयर की वारंटी के साथ में भी आती है, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है। ये वाली जो हमने ली, ये ली हमने 5 वॉट के चार्जर के लिए, मैक्सिमम ये केबल 12 वॉट की स्पीड सपोर्ट करती है। ये है हमारी A2 लाइटनिंग, आप चाहे तो C2 लाइटनिंग भी ले सकते हो, दोनों ऑप्शन मिल जाएगी आपको। C2 लाइटनिंग हल्की सी महंगी होगी, 100-200 रुपए आपका बढ़ जाएगा। अभी अनबॉक्स करते हैं। तो ये हमने अनबॉक्स कर दिया और अंदर ये रही केबल, 3.3 फीट की है, 1 मीटर की कुछ इस तरह की केबल है ये हमारी, और ब्रेडेड है और साथ में ये पुस्तक दे के रखी है, सब कुछ चाइनीज में लिखा हुआ है। और आप वेबसाइट पे जाके वारंटी के लिए रजिस्टर कर सकते हो। केबल की तरफ आते हैं तो लो जी, ये रही हमारी केबल एप्पल की केबल के साथ में, लेंथ देख लेते हैं। तो ये एप्पल की केबल के साथ में हल्की सी छोटी है, थोड़ी सी, ज्यादा फर्क नहीं है। पर यहाँ पर जो ये मोटाई है ना बेल्किन वाले की, मतलब बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है ये, और यहाँ पर ब्रेडेड है, इसकी क्वालिटी फील कर पा रहा हूँ। एप्पल की केबल के मुकाबले ना इसकी क्वालिटी बहुत जबरदस्त है, मतलब नेक्स्ट लेवल। यहाँ पर इन केबल्स में ये जो कनेक्टर दे के रखे हैं ना, एग्जैक्ट सेम है, सेम डिजाइन है और सेम क्वालिटी के दे के रखे हैं। तो आपका पैसा बच रहा है तो आपको MFI सर्टिफाइड की तरफ ही जाना चाहिए। इस वाली से मैं कह सकता हूँ कि 60 टाइम बेटर है, क्योंकि ये आप ऐसे बेंड करो, ब्रेडेड है ना, कर सकते हो। और इसको ज्यादा करूंगा तो इसकी लाइफ नहीं है ज्यादा, ये वाली बेस्ट है। यहाँ पर मैं यही कहूंगा कि आप किसी और ब्रांड की तरफ जा सकते हो। अच्छी अच्छी केबल्स का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। Amazon Basics की आती है, काफी है, और बोट की भी आती है, वो भी काफी अच्छी है। बेल्किन की भी काफी अच्छी है, रिकमेंडेड एप्पल की तरफ से, ये भी आप ले सकते हो। थोड़ी सी महंगी आती है Amazon Basics और बोट से। एक बार चार्जिंग टेस्ट भी कर लेते हैं आपके सामने। और जब भी आप केबल ले रहे हो ना तो उसकी स्पीड भी देख लेना आप, उसकी वेबसाइट के ऊपर कितनी मेंशन करके रखी हुई है, जो आपका चार्जिंग एडाप्टर है ना उसके साथ में मैच होनी चाहिए। स्पीड अच्छी होगी तो आप अपने लैपटॉप के साथ में डेटा ट्रांसफर कर रहे हो तो उसमें काफी काम आते हैं, तो स्पीड का आपने ध्यान रखना है। तो ये बेल्किन की केबल 5 वॉट के चार्जर के साथ में हमने लगा दी है। इस केबल की स्पीड है 12 वॉट तक की, तो आप 12 वॉट का चार्जिंग ब्रिक लगा सकते हो साथ में। तो यहाँ पर अभी लगाते हैं हम। यस, बहुत स्मूथली फोन के अंदर चली गई है और हमारा फोन चार्ज होना शुरू हो चुका है। यस, ये केबल अच्छे से काम कर रही है। और यहाँ पर जब भी आप एप्पल के MFI सर्टिफाइड केबल यूज कर रहे हो या फिर एप्पल के ओरिजिनल, आप उसे चार्जिंग के लिए लगा रहे हो ना, तभी आपको लगाते फील आ जाएगा कि ये ओरिजिनल है। अगर नॉन MFI हुई ना तो आपको जबरदस्ती घुसाना पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ, गो विद MFI सर्टिफाइड केबल। तो ओवरऑल अब आपको लगभग सब कुछ पता चल चुका होगा। बाकी आपके माइंड में कोई भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और रिकमेंडेड केबल्स और चार्जर्स के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पर मैंने काफी रिसर्च की कि अपने जो आईफोन वाली कम्युनिटी है वो किस ब्रांड के यूज करते हैं, कितने टाइम से उन्होंने यूज किया, उनके साथ में भी मैंने बात की कौन सी केबल और कौन सा चार्जर अच्छा है। उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, काफी टाइम से सोच रहा था इसके ऊपर वीडियो बनाने का, तो आज जाके ये वीडियो हमने बना दी है। अभी आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि आपको आपके आईफोन के साथ में किस तरह की केबल्स और किस तरह का चार्जर यूज करना चाहिए ताकि आपका आईफोन खराब ना हो, क्योंकि अगर आप गलत यूज करोगे तो आपके आईफोन की
हेल्थ खराब होगी, आपका जहां 300-400 रुपए लगना था एक केबल के ऊपर वहां आपका 10-15 हजार लग सकता है, हो सकता है उससे ज्यादा लग जाए। तो आपको केबल्स का ध्यान रखना चाहिए, आपकी बैटरी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी। और इसके अलावा अगर आप कोई और वीडियो चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो में, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। बाय बाय।